हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू असरदार आयुर्वेद। दोस्तों, नव पौरुष नाम का कैप्सूल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है और आप लोगों की बहुत डिमांड आएगी, भाई इसके बारे में बताइए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, असर करता नहीं करता है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी के लिए समझते हैं नव पौरुष कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, मार्केट में इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि भाई आपकी भूख को बढ़ा देंगे, आपके पिचके हुए गालों को फुला देंगे, और वो हर्बल होते हैं तो कोई भी इंसान उसको ले लेता है। लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट के साथ क्या होता है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी है। अब अगर बात किया दोस्तों कि नवपोरुष की, तो नवपोरुष एक हर्बल कैप्सूल है जो कि आपको लगभग लगभग 190 रुपए में दो स्ट्रिप मिलते हैं। एक स्ट्रिप के अंदर जो है आपको 15 कैप्सूल मिल जाते हैं। ये हर्बल है और कंपनी दावा करती है दोस्तों कि ये आपकी भूख को बढ़ा देता है, खून बढ़ाने में हेल्प करता है, सुस्ती और जो कमजोरी है उसको दूर कर देता है। तो देखिए, इसके अंदर कंपोजिशन क्या है उसको समझ लेते हैं और फिर जानेंगे कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए, आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा ही है कि आदमी जो है सुबह से लेकर शाम पर निकलता है, काम पे बिजी रहता है, और फिर जब भूख लगती है तो वो कुछ भी फास्ट फूड ले लेता है। तो उसको जो जितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए रहते हैं उतना नहीं मिल पाता, ना ही प्रोटीन मिल पाता है, बस वो जंक फूड्स के ऊपर रहता है, सरवाइव करता है। तो जाहिर सी बात है, इस कंडीशन में तो आपको कभी भी आपका वजन नहीं बढ़ पाएगा। दैट मीन्स कि मेन प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए कि आप अच्छी डाइट लो, फ्रूट्स लो, जूसेस लो, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट जरूरी है आपके वजन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अगर बात किया इस तरह के कोई भी कैप्सूल की, तो ये तभी लेना चाहिए जब आप सब कुछ ट्राई कर लेते हैं लेकिन आपके शरीर में कुछ एबनॉर्मलिटी है कि आपके शरीर में खाना लगता नहीं है। दूसरी बात, अगर बात की जाए नवपुरुष की, तो नवपुरुष के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों को डाला है। यहाँ पे भृंगराज है दोस्तों, भृंगराज है, पीपली, जीरा, कुटुंज है, जायफल इन्होंने डाला है इसके अंदर, शिलाजीत है, लोह भस्म, बंग भस्म, साथ ही दोस्तों मकोए है और आंवला है, हरिताकी है। तो ये सारी चीजों से मिलकर ये बनाया जाता है और बढ़िया है, हर्बल है, चाहो तो ले सकते हो। लेकिन देखिए, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो अपने फ्रेंड्स को ये चीज बोलता हूँ, भाई आप एक बार ट्राई करें, और उनके रिव्यूज को मैं देखता हूँ या इंटरनेट पे भी हम रिव्यूज को देखते हैं कि भाई एक्चुअली लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो जितने ज्यादातर लोगों का मैंने देखा कि उन्होंने यही बोला कि जब जब उन्होंने नवपौरुष को लिया है उनको तुरंत नींद आने लगती है, दिन भर नींद आती रहती है, एक नशा सा बना रहता है, ठीक है, एक डिजनेस बनी ही रहती है। सो देखिए, मैं इस चीज का दावा तो नहीं करता हूँ, ना ही मैं इस चीज का क्लेम करता हूँ, बट इट मे बी पॉसिबल कि जो भी प्रोडक्ट आपको अगर जल्द से जल्द मोटा करने का बोलता है, दावा करता है, या वजन बढ़ाने का बोलता है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो कंटेंट्स स्टेरॉइड, उसमें कहीं ना कहीं स्टेरॉइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आशंका है, और क्योंकि इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद लोगों को एक्चुअली लिटरली नींद आने लगती है जो कि नहीं आना चाहिए। तो नींद आना हमें संकेत देता है इसके अंदर कोई ना कोई ड्रग डाला हुआ है जो कि आपके लिए सेफ ना हो। ठीक है, फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी पर इसको ले सकते हैं। ठीक है, और लेने का तरीका यह है कि भाई इसको आपको सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेना है, दूध के साथ लेना है, और बढ़िया है। ठीक है, और साइड इफेक्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, नींद आती है। यहां पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, कई लोग कहते हैं कि भाई जब तक उन्होंने कैप्सूल खाया तो वजन बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही बंद किया तो वो वजन कम हो गया। क्योंकि देखिए, कोई भी आप लाइफ टाइम तो कोई भी दवा नहीं खा सकते हो ना, एक ना एक दिन तो बंद करना ही रहेगी। तो ऐसा ही होता है, जिस तरह के जो स्टेरॉइड्स कंटेंट्स मार्केट में चल रहे हैं उनसे आपको इस तरह के ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एकदम से सडनली आपका वजन बढ़ जाएगा और एकदम से आप कमजोर हो जाएंगे। मैंने कई दो लोगों को देखा है, एकदम से मोटे हो जाते हैं, फिर एकदम से पतले हो जाते हैं। जब तक उनकी दवाई चल रही थी, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड होते हैं दोस्तों जो कि आपके शरीर में एकदम से आपका वजन बढ़ाती हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव्ड हैं या बच्चे को दूध वगैरह पिलाती हैं या छोटे बच्चे हैं, इन लोगों के लिए बिल्कुल भी मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है नवपौरुष कैप्सूल। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल असरदार आयुर्वेद पे आप पहली बार आए हो, क्योंकि देखिए आप मुझे ज्ञानियर पे देखते हैं, ज्ञानियर पे दोस्तों मैं आपको मेडिकल साइंस के बारे में बताता हूँ, एलोपैथिक दवाइयों की चर्चा करते हैं वहां पे हम, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आपको हर्बल और होम रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। सो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें,
और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।